बेसिक शिक्षा विभाग के नए शिक्षा सत्र के आरंभ होने पर घर घर शिक्षा का उजियारा फैलाने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा अध्यापकों के निर्देशन में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा सके। नॉर्मल ग्राउंड में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया गया। स्कूल चलो अभियान महारैली में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों के साथ निजी स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं टीचर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, सबको मिले प्राथमिक ज्ञान शिक्षा का अभियान। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कर कमलों से शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से शिक्षा पाना देश को उन्नत बनाने लो से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय साथ में हमारे एडी बेसिक कर के राज्य के थाने से रैली का शुभारंभ होता हुआ समस्त जनपद के समस्त बच्चों से हम आह्वान करते हैं हरी झंडी करके ट्रैफिक के साथ एक महान विद्यालय खुल जा रहा है, एक तरफ से एक संदेश है, शासन का निर्देश भी है, एक भी बच्चे स्कूल से बाहर ना रहना चाहिए, किसी न किसी स्ट्रीम में आ जाना चाहिए। उसी के तौर से आज भी सुबह हम लोगों को 9 बजे अभियान चलाए, ये जो यहाँ का हमारे ही विद्यालय के बच्चे हैं, इसके अलावा कोई प्राइवेट एडेड विद्यालय के बच्चे भी शामिल होते हुए आज बृहद रूप से पूरे जनपद में हम लोग रैली निकलवा रहे हैं हर जगह, ताकि उससे जागरूकता भी करा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या क्या सुविधा दे रहे हैं जो बच्चे का। उसी के अलावा जो पठन पाठन के लिए जो हम लोग को तो 100% सभी किताबें आ गई हैं, मोजा आ गया, जूता आ गया है, बैग आ गया है। हम लोग 10 दिन का अंदर तो सबको 2-2 सेट यूनिफॉर्म भी देने वाले हैं। अभी तो तकरीबन 3 लाख बच्चे हम लोग के पास है अभी जो बेसिक शिक्षा विभाग में। अभी हमारा लक्ष्य एक भी बच्चे ना छूटना चाहें, और इसी अभियान के तौर से हम और चाहते हैं 5,000 से 10,000 बच्चे और जुड़ जाएँ। उसी के हिसाब से आज तो अभियान निकला है।